आपका ये स्नेह आपने यहां आने के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। उनकी शुभकामनाएं आपके लिए लेकर के आया हूं। और ये बहुत सुखद है कि तीसरी बार सरकार में आने के बाद इंडियन डायस्पोरा से मेरा पहला संवाद यहां मॉस्को में आपके साथ हो रहा है। भारत से दूर रूस की सरजमी पर अपनों के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो मिलने का अंदाज एकदम जुदा था। मॉस्को में स्वदेश की महक बिखर गई। आज से ठीक एक महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना, 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। शायद आपके लिए ये शब्द भी नया होगा। भारत में जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं गांव में, हम उनको इतना एम्पावर करना चाहते हैं, उतना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इतना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरे तीसरे टर्म में गांव की वो जो गरीब महिलाएं हैं उसमें 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बने, यानी उनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। मॉस्को में माहौल पूरी तरह से मोदीमय हो गया।
प्रधानमंत्री ने देश में हो रही आर्थिक तरक्की का लेखा जोखा भारतवंशियों के साथ साझा किया। प्रधानमंत्री ने आर्थिक प्रगति के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया। आज भारत वो देश है जो चंद्रयान को चंद्रमा पर वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। आज भारत वो देश है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे रिलायबल मॉडल दुनिया को दे रहा है। आज भारत वो देश है जो सोशल सेक्टर की बेहतरीन पॉलिसी से अपने नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। आज भारत वो देश है जहां दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत वो देश है जहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट फाइल कर रहा है। दुनिया भी हिंदुस्तान के नौजवानों के टैलेंट को देखकर अचंभित है। आज भारत वो देश है जो रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट फाइल कर रहा है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है, और यही मेरे देश के युवाओं का पावर है, वही उनकी शक्ति है। और दुनिया भी हिंदुस्तान के नौजवानों की टैलेंट को देखकर अचंभित भी है। रूस के मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना। वो ऐसा क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि भारत का कायाकल्प, भारत का नवनिर्माण वो साफ साफ देख पा रहे हैं। जब भारत G20 जैसे सफल आयोजन करता है तब दुनिया एक स्वर से बोल उठती है, अरे भारत तो बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत डिजिटल पेमेंट्स के नए रिकॉर्ड बना रहा है। जब भारत सिर्फ 10 वर्षों में अपने एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना कर देता है तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 साल में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा, यह आंकड़ा याद रखना, 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन कर देता है, तो दुनिया को भी भारत के पावर का एहसास होता है। उनको लगता है देश बदल रहा है। आज जब भारत डिजिटल पेमेंट्स के नए रिकॉर्ड बना रहा है
आज जब भारत L1 पॉइंट से सूरज की परिक्रमा पूरी करता है, आज जब भारत दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाता है, आज जब दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू बनाता है, तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य पर भरोसा करता है। भारत बदल रहा है क्योंकि 140 करोड़ भारतीय अब भारत को विकसित देश बनाने का सपना संकल्प लेकर के पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हो। हिंदुस्तान पूरा मेहनत कर रहा है, हर किसान कर रहा है, हर नौजवान कर रहा है, हर गरीब कर रहा है। आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो मेरे भारतीय भाई बहन रहते हैं, आप सभी भारतीय अपनी मातृभूमि की उपलब्धियों पर सीना तान करके सर ऊंचा कर करके गर्व करते हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर खेल के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। आपने भी देखा है, हम अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ कोविड संकट से बाहर निकाल करके ही नहीं लाए, बल्कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी में से एक बना दिया। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां दूर तो कर ही रहे हैं, बल्कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के माइलस्टोन क्रिएट कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी स्वास्थ्य सेवाएं सुधार रहे ऐसा नहीं, बल्कि देश के हर गरीब को मुफ्त इलाज की सुविधा भी दे रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम चलाते हैं। आयुष्मान भारत ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है और मुझे पक्का विश्वास है यहां भी आपने उस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया ही होगा। किया था कि नहीं किया था? गर्व हो रहा था कि नहीं हो रहा था? वर्ल्ड कप को जीतने की असली स्टोरी जीत की यात्रा भी है। आज का युवा और आज का युवा भारत आखिरी बॉल और आखिरी पल तक हार नहीं मानता है। और विजय उन्हीं के चरण चूमती हैं जो हार मानने को तैयार नहीं होते। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर भी देश के रुख को साफ किया। आज ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में 15% भारत कंट्रीब्यूट कर रही है। आने वाले समय में इसका और ज्यादा विस्तार होना तय है। ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर
चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा। और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने दो दशकों से भी ज्यादा समय तक इस साझेदारी को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच अनोखा रिश्ता है। यहाँ मौजूद आप सभी लोग भारत और रूस के संबंधों को और नई ऊंचाई दे रहे हैं। आपने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से रूस के समाज में अपना योगदान दिया है। साथियों, मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजवा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेशी दौरों पर जाते हैं तो वहां बसे भारतीयों से जरूर मिलते हैं। ऐसा ही रूस पहुंचने के बाद भी देखने को मिला। भारतवंशियों ने जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा उनका जोश हाई हो गया। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों में उत्साह दिखा। क्या बड़े, क्या बच्चे और क्या युवा, रूस में बसे हर उम्र के लोग प्रधानमंत्री से मिलने एयरपोर्ट पहुंचे थे। प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।